चंदन असहाय परकमं महावीरं सम्मतरयन निल बंधुदय सत्तजुत्तं ओगादेशे थवं ओच्चं। कल अपने योग मार्गणा तक देखा है उदय, उदय विच्युति और अनुदय को। अगले मार्गणा है वेद मार्गणा। वेद मार्गणा के तीन भेद है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। अब उसमें कितने का उदय और कितने का अनुदय है उसको पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं चार्ट। उदय रहेगा तो पुरुष वेद कहाँ नहीं होता है, नरक में नहीं होता है, और एक केंद्र और विकलत्रय में पुरुष वेद का उदय नहीं पाया जाता है। तो एक केंद्र संबंधी, विकलत्रय संबंधी और नरक गति संबंधी जो है, और आहार तो उसमें होता है, और आगे तीर्थंकर प्रकृति का उदय तेरहवें में है, इसलिए उसका भी वहाँ उदय नहीं होगा। तो एक केंद्र संबंधी कहे तो वहाँ पर स्थावर चतुष्कय निकलेगा यहाँ, क्योंकि अपर्याप्त कभी उदय नहीं रहेगा ना इसमें। तो हाँ, एक केंद्र आदि चार जाति स्थावर चतुष्क और एक केंद्र संबंधी आतप रहेगा, और नरक संबंधी निकालेंगे नरक द्विक, नरकायु और तीर्थंकर, और कौन सा रह गया, चरंचर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और दो वेद नहीं आएंगे इसमें, पुरुष पुरुष वेद में स्त्री वेद और नपुंसक वेद का उदय नहीं होगा। तो स्त्री और नपुंसक वेद ये नहीं पाए जाएंगे, मतलब 15 प्रकृतियों का वहाँ उदय नहीं होगा पुरुष वेद में। ये मार्गना कौन कौन सी पर्याय में पाई जाती है वो निकालेंगे तो बराबर अपन बुद्धि से निकाल सकते हैं। एक केंद्र आदि चार जाति, स्थावर चतुष्क 4, 4, 8 हो गए, आतप 9, नरक द्विक 11, नरकायु 13 और तीर्थंकर स्त्री और नपुंसक वेद। तो ये 15 प्रकृतियों का उदय पूवेद में नहीं होगा, शेष रही जो है वो 107 प्रकृतियाँ, इनका उदय पाया जाता है। स्त्री वेद में भी इसी प्रकार सब होंगे, नहीं नहीं पुरुष वेद में भी तीर्थंकर का उदय नहीं है ना, आहारक द्विक बढ़ेगा और स्त्री और नपुंसक की जगह पुरुष और नपुंसक वेद करेंगे, मतलब सब 15 प्रकृतियाँ जो है इसमें केवल ये जो इसकी जगह स्त्री की जगह पुरुष करेंगे और आहारक द्विक बढ़ेगा, तो 17 प्रकृतियों का यहाँ उदय नहीं होगा। 15 में क्या बढ़े, 2 आहारक द्विक, तो 105 प्रकृतियों का उदय होगा स्त्री वेद में। अब नपुंसक वेद में कौन कौन से मार्गना नहीं है उसमें, देवगति नहीं है केवल, नपुंसक वेद तो सभी पर्याय में पाया जाता है, देवगति में नहीं। तो देवगति की 3 प्रकृतियाँ तो फिक्स हैं, और उसमें तीर्थंकर और आहारक द्विक ये भी नपुंसक वेद में उसका उदय नहीं होता है, और नपुंसक वेद में स्त्री वेद और पुरुष वेद का उदय नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ देवद्विक, देवायु और आहारक द्विक, तीर्थंकर और 2 वेद, स्त्री और पुरुष वेद,
उम्मीद। तो कितने हो गए, दो और एक तीन, तीन और पाँच छः सात आठ, आठ प्रकृतियों का उदय नहीं रहेगा, तो 114 प्रकृतियों का उदय नपुंसक वेद में होगा। कैसे होगा? अपर्याप्त कौन सा लेते हैं? वो अपर्याप्त नाम कर्म का उदय लब्ध पर्याप्तक में ही होता है, तो लब्ध पर्याप्तक में नियम से नपुंसक वेद होता है ना, समूर्छन ही होते हैं। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ अपर्याप्त का अर्थ लब्ध पर्याप्तक ही लेना है। अब पुरुष वेद तीनों भी वेदों में गुणस्थान 9 है। जोर से बोलना महाराज ने, मैं वही बोल रही हूँ। मनुष्य तिर्यंच में भी जो लब्ध प्राप्त का अवस्था है उसमें नपुंसक वेद ही होगा ना, समूर्चिन जो जो है उसका सबका नपुंसक वेद ही होता है, लब्ध प्राप्त जो है वह नपुंसक वेद ही होते ना। हाँ, तो मनुष्य और तिर्यंच में भी वो नपुंसक वेद होगा लब्ध पर्याप्त अवस्था में, पुरुष वेद नहीं होगा। इसलिए अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वो लब्ध पर्याप्तक में लेना, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था नहीं लेना। यहाँ पुरुष वेद में अपने उदय प्रकृति कितने काली है, 107 है। अब पहले गुणस्थान में उदय जिनका नहीं होता है, ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियाँ होगी 107 में से लिंक निकालना है। तीर्थंकर पहले निकाला हुआ है, तो यहाँ मिश्र सम्यक्त्व और आहारक द्विक, हाँ पुरुष वेद में ना, तो आहारक द्विक, तो चार का अनुदय रहेगा। हाँ चार का अनुदय, तीर्थंकर छोड़ो, तीर्थंकर कम करना, केवल उदय 103 का रहेगा। अब यहाँ पुरुष वेद में केंद्र संबंधी अपने सब प्रकृतियाँ निकाली है और अपर्याप्त भी निकाली है, तो क्या रहेगा, एक मिथ्यात्व का ही विच्युति होगी। पुरुष वेद जो है वो 9 गुणस्थान तक ही है, इसलिए तो यहाँ एक मिथ्यात्व की ही विच्युति होगी, क्योंकि अन्य प्रकृतियों का उदय पाया ही नहीं जाता है वहां पर। चार और एक क्या हो गए, यहाँ 5 प्रकृतियाँ हो गई, और यहाँ पर वो तो पहले निकाला हुआ है, नरक गत्यान पूर्वी का उदय नहीं आता है, लेकिन अपने पुरुष वेद में नरक द्विक पहले निकाला हुआ है, इसलिए 5 ही रहेगा और 102 प्रकृतियों का उदय रहेगा। और यह विच्छुति जो है वहाँ पर भी अनंतानुबंधी चतुष्क 4 की होगी ना, क्योंकि आगे की प्रकृतियाँ है नहीं उदय में, 5 और 4 9, और यह मिश्र का उदय आने लगा, तो यहाँ अनुदय में 8 होगी, 199 प्रकृतियों का उदय होगा और एक मिश्र की विच्छुत्ति होगी, 8 और 1 9, और यह समय तो प्रकृति का उदय आता है इसलिए 8 ही रहेगी, और यहाँ 99 ही रहेगी। ते राहिलं काढायचं नाही, या अनुपूर्विका उदय चालू हो गए ना, हे बंद हो गया तो वो भी निकालना पड़ेगा ना, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिरेंच गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी, तीन को तीन का अनुदय बढ़ेगा, अनुदय मिलेंगे ना उसको, तो तीन का अनुदय बढ़ेगा, तो 8 और 3 कितने होंगे, 11 होगी, 11 का अनुदय रहेगा बराबर है, और 96 का उदय रहेगा और 1 की विच्युति होगी। अब 11 और 1 12 होते हैं, लेकिन 12 में से एक सम्यक्त प्रकृति और 3 अनुपूर्वी का उदय प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर बराबर 8 का होगा, ये तो 11 का बराबर है ना, बराबर है, और 8 का अनुदय रहेगा, 99 का उदय रहेगा, और यह विच्युति जो है 17 में से नरक द्विक अपने निकाला हुआ है और नरकायु निकाली हुई है, तो नरक संबंधी 3 कम हुई है, बाकी सब 14 प्रकृतियाँ हैं, अप्रत्याख्यान 4 कक्षाएँ, देवगति देव चतुष्क लेंगे, देवगति देवगत्यानपूर्वी वैकृक शरीर वैकृक अंगोपांग देवायु, और मनुष्य गत्यानपूर्वी तिरंच गत्यानपूर्वी दुर्भग अनादे अयश, इन सब 14 प्रकृतियों की विच्युति होगी, 8 और 14 22। अब आगे सब गुणस्थान के समान ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, केवल 9 गुणस्थान में वह
लेकिन नवा तो गुण स्थान सवेद भाग तक ही लेना है ना, तो आगे की सब इच्छुति नवे में करेंगे, दसवें ग्यारहवें बारहवें की सबकी, पांचवे में यहाँ विच्छुति आठ की, छठे में छः पाँच की, सातवें में चार की, आठवें में छः की, नहीं छः यहाँ तो छः ही रहेगा, और नवे में जो है वो चार है, लेकिन वहाँ चार, दसवें का एक, ग्यारहवें के दो, बारहवें के सोलह, तेरहवें के तीस और चौदहवें के बारह, इन सब की विच्छुति यहाँ पर होगी। तो चार चौसठ चौसठ हाँ पुरुष, लेकिन वो हाँ उसमें नहीं है, मूल में नहीं है, इसलिए यहाँ ग्यारह होगी, क्योंकि अपन ने मूल में से निकाले ना, 107 में नहीं है इसलिए वो निकालना, उसके तो है विच्छुति लेकिन उसमें नहीं है। तो ये कितने हो गए, चार और एक पाँच, पाँच और दो सात, सोलह तेईस, तेईस और तीस त्रेपन्न, त्रेपन और ग्यारह चौंसठ, यह चौसठ प्रकृतियों की उदय विच्छुति होती है। अब दूसरा है स्त्रीवेद, स्त्रीवेद में उदयोग के कितने हैं, 105। इसमें भी क्या होगा, यहाँ आहारक द्विक नहीं है इसलिए सब सब में दो दो का अंतर आएगा, यहाँ अनुदय में दो आएंगे और यहाँ उदय में, उदय में तो बराबर है ना, ये दो ही कम करेंगे, दो और एक तीन, यहाँ अनुदय में कम होते जाएंगे तीन, और तीन और चार सात होते हैं, और उसमें तीन है ना, यहाँ अने अभी विच्छुति में अंतर आएगा ना, स्त्रीवेद में अनुपूर्वी की पहली विच्छुति करनी पड़ेगी स्त्रीवेद में, तो उसको थोड़ा दो तीन नहीं, वो भी नहीं बचेगी। स्त्रीवेद में चौथे गुणस्थान में अनुपूर्वी का उदय ही नहीं है, हाँ विच्छुति में बड़े, मतलब यहाँ पर तीन अनुपूर्वी के अपन उदय विच्छुति करेंगे, चार अनंत अनुबंधी और तीन अनुपूर्वी, क्योंकि चौथे गुणस्थान में अनुपूर्वी का स्त्रीवेद में उदय नहीं है, इसलिए अनंत अनुबंधी चार, अण चार और तीन अनुपूर्वी, प्लानार का अनुपूर्वी तो पहले ही नहीं है, अनुपूर्वी तीन, देव मनुष्य तिरंच अनुपूर्वी है, तो यहाँ सात और तीन दस हो गए और मिश्र का उदय आने लगा, तो यहाँ अनुदय में कितनी होगी, नौ, और उदय में छियानवे होगी, एक की ही विच्युति होगी मिश्र की, नौ और एक नहीं, वो तो उदय विच्युति हो गए ना, अब आगे वो अनुपूर्वी का उदय ही नहीं होगा, तो दूसरे में उसकी विच्छुति कर दी, तो नौ और एक दस होते हैं, और यहाँ सम्यक तो प्रकृति का उदय आने लगा इसलिए नौ ही रहेंगे, और यहाँ छियानवे ही रहेंगे, और यहाँ अनुपूर्वी तीन ऊपर गए हैं और नरक द्विक और नरकानुपूर्वी पहले गया है, इसलिए छह प्रकृतियाँ कम हो जाएगी, तो ग्यारह प्रकृतियाँ रहेगी। और प्रत्याख्यान और कषाय देवचतुष्क नहीं आएगा वहाँ पर, कहीं पर सुधार आगे है शायद, आगे कहीं पर सुधार करना है, देवगति देवायु और वैक्रेक, हाँ वैक्रेक शरीर वैक्रेक अंगुपांग और दुर्भग अनादे ऐश, ये ग्यारह प्रकृतियों की विच्छुति यहाँ चौथे में होगी, ग्यारह और नौ बीस, आगे यहाँ पर पांच का न आकर के क्या हो जाएगा, छठे गुण स्थान में तीन की उदय विच्छुति होगी, आरग्धविक नहीं है, यह चार ही रहेगा या छः रहेगा और यह चौसठ ही रहेंगे, बाकी सब वैसा ही है। यहाँ केवल याद रखना है स्त्री वेद में, मतलब यही विशेषता रहती है ना, थोड़ा थोड़ा अनुपूर्वी की विच्छुति दूसरे गुणस्थान में करना, क्योंकि चौथे गुणस्थान में आगे स्त्री वेद का उदय नहीं है। नहीं, पुरुष मेद में जाएगा,
आप उल्टा कैसे लगा रहे? अगले भाव में जो है वो स्त्रीवेद नहीं होगा, अभी इस भाव में स्त्रीवेद है, भाव स्त्रीवेद भी है और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब अगले भाव में वो स्त्री नहीं होगा, तो वहाँ चौथे में गमन नहीं होता है सम्यक दर्शन सहित। यहाँ से स्त्रीवेदी नहीं, यहाँ स्त्रीवेदी हो तो उसका गमन हो सकता है, वो पुरुष वेद उदय में आएगा ना उसके पहले समय में, जब वो विग्रह गति में जाएगा तो पहले समय में उसको स्त्रीवेद बदल करके पुरुष वेद का उदय प्रारंभ होगा ना, चौथा गुणस्थान लेके जा सकता है वह स्त्रीवेदी, और अशायिक समय तो भी उसको हो सकता है ना भाव स्त्रीवेदी में। हाँ वो चौथा गुणस्थान लेके जाता नहीं तो उसको लगा कि मैं त्या दृष्ट है। हाँ जन्म नहीं होगा, बराबर है, मरण होगा जन्म नहीं होगा। हाँ इसलिए अगला जन्म कैसा है अभी के अपने परिणामों से निर्भर है। तो स्त्री वेद का हो गया, अब नपुसक वेद का। पुसक वेद में खड़ू कैसे क्या मालूम, हाँ क्या बात है, एक सौ चौदह का उदय रहेगा। तो यहाँ पहला गुणस्थान है, तो 114 में कौन कौन सी वहाँ अनुदय होगी, मिश्र और सम्यक दो ही, क्योंकि आहारक दिक और तीर्थंकर का नपुसक वेद में उदय होता ही नहीं है, तो यहाँ दो का अनुदय रहेगा, 114 में से दो गए, 112 का उदय होगा, और यह विच्छुति जो गुणस्थान की अपेक्षा से बताए वो सब होगी, क्योंकि नपुसक वेद में सभी प्रकृतियाँ हैं ना वहाँ पर। तो मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, इन पांच की विच्छुत्ति होगी, पांच और दो सात, और दूसरे गुणस्थान में नरगत्यान पूर्वी का उदय नहीं होता है, इसलिए अनुदय में एक बढ़ेगी तो आठ हो जाएगी। आतप किया ना, आतप भी लेगी वहां पर, हाँ दूसरे में होगी, तो पाँच और दो सात और एक नरकानुपूर्वी आठ हो गया, यहाँ पर 114 में से आठ गए, 106 रहे। अब दूसरे गुणस्थान में यहाँ विच्छुत्ति वो जो गुणस्थान अपेक्षा है वो वही होगी ना यहाँ पर केवल, हाँ कौन से अनुपूर्वी निकालेंगे, तो हे मनुष्य गत्यानुपूर्वी और तिरंज गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होगा, नपुसक वेद में केवल नरक में जाते समय ही वो रहता है चौथा गुणस्थान, तो नरकानुपूर्वी का रहेगा उदय, लेकिन मनुष्य गत्यानुपूर्वी तिरंज गत्यानुपूर्वी और देव तो होता ही नहीं है नपुसक वेद में, इसलिए दो अनुपूर्वी का विच्छुति यहीं पर करेंगे, तो नौ थे, नौ थी उसमें दो मिलाए तो 11 की विच्छुत्ति होगी, गुणस्थान अपेक्षा जो नौ है वो रहेगी ही, और दो अनुपूर्वी बढ़ाएंगे तिरंज गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, 11 और 8 कितने होते हैं 19, और इसमें एक मिश्र का उदय आने लगा तो 18 हो जाएगी। हाँ अनुपूर्वी तो यहाँ पर ही निकाली है ना, अनुदय में यहाँ पर नरगत्यान पूर्वी निकाली हुई है, 106 का ही नहीं 100 नहीं 96 का उदय रहेगा, एक मिश्र की विच्छुत्ति, 18 और एक 19 हो गए, और यह समय तो प्रकृति का उदय आएगा और नरगत्यानुपूर्वी का उदय आएगा, तो कितनी होगी 19 में से दो कम होगी तो 17 प्रकृतियों का अनुदय होगा। और यहाँ इसमें एक ही बढ़ जाएगी ना 97 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 17 या 18 है। और यह विच्छुत्ति में से अनुपूर्वी दो पहले गई है और देवगति द्विक और देवायु को पहले निकाला है, इसलिए
पांच प्रकृतियां कम हो जाएगी, दो अनुपूर्वी और देव की तीन, बारह रहेगी। अप्रत्याख्यानावरण चार कष हैं, नरकद्विक नरकायु और दुर्भग अयश और अनादेय और अयश, बारह प्रकृतियां रहेगी विच्छुत्ति में। सत्रह और बारह उनतीस होते हैं, और यहाँ पर बारह कम हो जाएंगे, पंचानवे हो जाएंगे, पचासी हो जाएंगे, पचासी, और यहाँ तो आठ ही रहेंगे, आगे सब वही रहेंगे। इसमें तीन ही रहेंगे छठे में, सातवें में चार, छः, और यह चौंसठ, चौंसठ ही हो जाएंगे ना यहाँ पर, चार ये भी वहाँ पर भी चार ही रहेंगे, नवे गुण स्थान में, दसवें का एक, बारहवें का ग्यारहवें के दो, सोलहवें बारहवें के सोलह, तेरहवें के तीस और चौदहवें के ग्यारह, इस प्रकार चौंसठ प्रकृतियों की यहाँ उदय विच्छुत्ति होगी, और बाकी सब आप जोड़ जोड़ करके अनुदय और उदय देखना वहाँ पर। गाथा नंबर 320 है, मूलोगम पुवेदे थावर चौ निरय जुगल तिथयरम इगि विगलम थी संडम तावम निरयाहुगम नथी। पुवेदे मूलोगम, पुरुषवेद में मूल ओग के समान है, उसमें जो प्रकृतियों का कम करना है वो बताते हैं। थावर चौ निरय जुगल तिथयरम, स्थावर चतुष्क मतलब स्थावर सूक्ष्म साधा अपर्याप्त साधारण, निरय जो नरगति नरगत्यांपूर्वी, तीर्थंकर एगी विगलम लयकेंद्र और विकलत्रे, थी संडम स्त्रीवेद और नपुसकवेद, और आतप और निरय अवगम नरकायु। गाथा में क्या है, यहाँ पर जैसा वो आगे पीछे बैठते हैं ना वो छंद, उसके अनुसार वो प्रकृतियाँ हैं। धवला वगैरह में बताएंगे तो बराबर कर्म के हिसाब से बताएंगे, कर्म का जो क्रम है ना उसी हिसाब से, मूल प्रकृति में भी और उत्तर प्रकृति में भी वो क्रम से बताते हैं सूत्र में। नहीं आता आपके लिए, ताव ही आता है हमेशा यहाँ पर, हाँ ताव। निरयावगम नथी, निरयाव मतलब नरकायु नहीं है। और एक गाथा है आगे, स्त्रीवेद और नपुसक वेद का बताते हैं, पुरुषवेद का हो गया, मतलब ये पुरुषवेद में पंद्रह प्रकृतियाँ जो अनुदय रूप है उस वो बताई। अब स्त्रीवेद और नपुसक वेद का बताते हैं। 321 नंबर गाथा है, इत्थि वे देवितहा हारदुपुर सूर्ण मिति संयुतम ओगम संडे नहि सुर हारदुथि पुंसुराउ दित्तयरम। इत्थि वे देवितहा, स्त्रीवेद में भी उसी प्रकार है, मतलब पुरुष वेद के समान है, उसमें केवल विशेषता करना है कि आहारक द्विक बढ़ाना है और पुरुष वेद कम करना है, मतलब आहारक द्विक और पुरुष वेद कम करना दोनों तीनों भी प्रकृतियां, और उसमें इत्थि संचुत्तम स्त्रीवेद बढ़ाना। इस प्रकार तीन कम हो गए और दो बढ़ गई, तो कितने हो गए 117 का अनुदय हुआ ना वहाँ पर, मतलब अनुदय में तीन बढ़ गई और उदय में बस में एक कम करना। ओगम संडे नहीं सुर हारदु थी पुंसु उराव सुराउ तिथेरम, और नपुसक वेद में ओग के समान है, मतलब जो सामान्य में 122 है वो है, उसमें 122 में से ये प्रकृतियाँ कम करना। सुरदु हारदु देवद्विक आहारक द्विक थी पुंसु स्थी पुं स्त्रीवेद पुरुषवेद सुराउ मतलब देवायु और तीर्थंकर, ये आठ प्रकृतियाँ जो है वो कम करना सामान्य में से, उतने नपुसक में उदय योग्य प्रकृतियाँ है। इस प्रकार यह वेद मार्गना खत्म हो गई। आगे कषाय मार्गना है, कषाय मार्गना में अब ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कषाय मार्गना में सभी पर्याय हैं, मतलब सभी पर्याय में कषाय मार्गना होती है,
लेकिन केवल एक कषाय के उदय में दूसरे कषाय का उदय नहीं होता है। तो जब क्रोध का उदय रहेगा तो मान माया और लोभ, चार मान चार माया और चार लोभ, 16 कषाय में से 12 कषाय कम हो जाएगी। तो 122 उदय योग्य है उस, और तीर्थंकर जो है वो भी उदय योग्य नहीं है, क्योंकि कषाय मार्गणा 9वें गुणस्थान में और 10वें गुणस्थान में खत्म होगी। आगे तीर्थंकर का उदय 13वें और 14वें में आना है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति भी कम करेंगे। तो 12 कषाय और एक तीर्थंकर, इस प्रकार 13 प्रकृतियां कम करेंगे। तो क्रोध मार्गणा में 13 कम हुई तो 109 प्रकृतियों का उदय होगा। यह तुमच्याकडे असलं तर ना क्या उनका उदय होगा ना, क्रोध के उदय में सभी का उदय हो सकता है, 9 कषाय का, तीनों वेद का भी हो सकता है, हास्यरति अशोकरति भय जुगुप्सा सभी का उदय है, सभी। उसका ऐसा ये नहीं बताया है नियम कि क्रोध में हास्य का उदय नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कभी कभी हम किसी के मतलब हास्य करते हैं। हाँ बराबर, उसका मतलब ऐसा ये नहीं है। तो 13-13 सभी कषाय मार्गणा में कम होगी, अनुदय में होगी, और 109 प्रकृतियों का उदय होगा, और उसमें गुणस्थान 9 घटित करेंगे तो सब जगह सब इच्छुति होगी। केवल जहाँ जहाँ कषाय है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, अन्य कषाय कम करेंगे। क्रोध कषाय और यहाँ उदय योग्य, ते पण पुसला नाही। हाँ, कषाय मार्गणा में एक एक लेंगे, क्रोध कषाय लेंगे और उसमें उदय 109 प्रकृतियों का है। तो 109 प्रकृतियाँ पहले गुणस्थान में जो है वो 5 का ही अनुदय रहेगा, उसमें तीर्थंकर निकाला है तो 4 रहेंगे, अनुदय में 4 रहेंगे तो 105 का उदय होगा, और यहाँ जो 5 की विच्युति है वो 5 की रहेगी, 4 और 5 9, और या नरक गत्यान पूर्वी का उदय नहीं होता है, इसलिए अनुदय में बढ़ेगी, 10 होगी, और यहाँ 99 प्रकृतियाँ होगी, और यहाँ पर कषाय 4 होती है अनंतानुबंधी आदि, तो उसमें 3 कषाय जो है वो पहले कम किए तो 1 की विच्युति होगी, अनंतानुबंधी क्रोध की विच्युति होगी। तो यहाँ 9 में से 3 कम करेंगे तो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। केवल कषाय 1 लेना, क्रोध लेना केवल, और बाकी की शेष 5 हैं वो एकेंद्रादि, 4 जाति और स्थावर। यहाँ 10 और 6 16 हो गए, ये बाकी सब मतलब देखने की जरूरत नहीं अपने को, बाकी उसमें अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा तो 3 अनुपूर्वी इसमें से अनुदय में बढ़ेगी, 19 होगी, मिश्र का उदय 10 और 16 6 कितने हुए, 16, उसमें 3 अनुपूर्वी यहाँ बढ़ाई तो 19 हो गए, और 19 में 1 मिश्र का उदय आने लगा तो 18 हो गए, 18 में यहाँ 91 प्रकृतियों का उदय होगा, 1 की विच्युति, 18 और 1 19, और यहाँ 90 नहीं, हाँ यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर 18 और 1 19 हो गए, और 4 अनुपूर्वी और सम्यक्त्व, 5 का उदय वहाँ प्रारंभ हुआ तो 14 का यहाँ पर उदय रहेगा, और 95 का उदय, 14 का अनुदय, 95 का उदय, और यह विच्छुति जो है 17 है, उसमें 3 कषाय कम करेंगे। सब जगह इतना ही विशेषता है, यहाँ जहाँ जहाँ कषाय ना वहाँ 3-3 कम करो, क्योंकि बाकी की कषाय नहीं है, इसलिए। तो यहाँ अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचुवलन, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ने क्रोध मान माया, अप्रत्याख्यान क्रोध रहेगा उसकी विच्छुति होगी, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया और अप्रत्याख्यान लोभ कम होगा, तो 17 में से 3 कम हो गए 14,
और पांचवे में भी क्या है, आठ प्रकृतियां हैं, उसमें तीन कम होगी तो पांच ही रहेगी, मतलब प्रत्याख्यानावरण क्रोध और तिरंच गति, तिरंच आयु, उद्योत और निज गोत्र रहेंगे। छठे में तो पांच रहेंगे, सातवें में चार, आठवें में छः, अब नवे गुण स्थान में यहाँ क्रोध है तो उसमें क्रोध तक ही लेंगे ना, तो तीन वेद और एक कषाय, तो चार की विच्छुति होगी, अन्य दो की विच्छुति नहीं होगी। और यह दसवा तो आगे आएगा ही नहीं न क्रोध में, लोभ में आएगा तो यहाँ एक लोभ की करेंगे विच्छुति। इसी प्रकार तीनों कषायों में भी ऐसे लगाना, मान में भी केवल क्रोध की जगह मान आएगा, मान की जगह फिर माया आएगा, माया की जगह लोभ आएगा, बाकी तीन कषाय यहाँ नहीं रहेंगे। इसलिए छः, चौदह और यहाँ पाँच, और यहाँ छः थे उसमें दो कम हो गए, क्योंकि तीन की चार कषाय की विच्छुति नहीं ना, यहाँ तीन ही कषाय की विच्छुति है, क्रोध, मान और माया, इसलिए दो ही कषाय इसमें कम हो गए। ये कषाय मार्गणा में उदय अनुदय होता है। गाथा नंबर 322। आन माया लोह चौकुण मोगमिह कोहे, अनरई देने की विगलम ताव अणुको हाणु थावर चौकम। मा कोहे लगाना क्रोध में, यह कोहे ओघम, क्रोध में ओघ के समान है, केवल उसमें विशेषता है कि तीर्थंकर मान चतुष्क, माया चतुष्क और लोभ चतुष्क, इससे ऊन करना रहित, चतुष्क तीनों को लगाना, क्रोध में चार मान, चार माया और चार लोभ और एक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। उसी प्रकार मान में तीन, चार क्रोध, चार माया, चार लोभ का उदय नहीं रहेगा इसे। और यह विशेषता बता रहे कि जो अनंतानुबंधी की विसर्जना करके पहले गुण स्थान में गया तो वह न इगी विगलम, जब तक वह अनंतानुबंधी से रहित है वहाँ पर, तब तक वह एकेंद्रिय या विकलत्रय पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए वहाँ एकेंद्रिय का उदय नहीं होगा, उसको विकलत्रय का भी उदय नहीं होगा। आत्म एकेंद्रिय संबंधी और विकलत्रय संबंधी सब प्रकृतियाँ वहाँ निकल जाएगी। अनंतानुबंधी की विसर्जना करके पहले गुण स्थान में आया है तो तुरंत वह मरण करके एकेंद्रादि पर्याय में उत्पन्न नहीं होगा, और एक आवली काल के बाद तो नियम से अनंतानुबंधी का वापस बंद, मतलब बंद तो पहले समय से किया, आवली काल के बाद अनंतानुबंधी का उदय नियम से होगा उसको, इसलिए मरण ही नहीं होगा, एक आवली काल तक मरण नहीं होता है। यह मैंने आगे दी है, इसमें मालूम नहीं है कि नहीं है, मरण कहाँ कहाँ नहीं होता है वो आगे जा कर के इसमें शायद आएगा तो मालूम नहीं है। 191 पेज पे लिखे हैं, देख 189 पेज है नोट्स में। मरण रहित स्थान मतलब निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता है, मतलब जिसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वो नियम से पर्याप्ति पूरी करने वाला है, तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता है। लब्ध पर्याप्तक में हो सकता है लेकिन निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मरण नहीं होता है। आहारक मिश्र का योग में मरण नहीं होगा, शपक श्रेणी पर मरण नहीं होता है, उपशम श्रेणी पर चढ़ने पर आठवें के पहले भाग में मरण नहीं होता है, प्रथम उपशम सम्यक्तों में मरण नहीं है, सातवें नरक में ऊपर के गुणस्थानों में मतलब उसमें नियम से मिथ्यात्व में आकर ही मरता है, दूसरे तीसरे में तो मरण है ही नहीं है। हाँ, मिश्र गुणस्थान में तो मरण होता नहीं है। अनंतानुबंधी विस्कषाय का विसर्जन करके मिथ्यात्व गुणस्थान में आने पर एक अंतर्मुहूर्त तक उसका मरण नहीं होता है। हाँ, उदय में आने तक ऐसा एक अंतर्मुहूर्त लिखा है, तो एक आवली के ऊपर लेना, मतलब एक आवली और एक समय से अंतर्मुहूर्त है ना, इसलिए छोटा अंतर्मुहूर्त लेना उसका। हाँ, उदय में नियम से आएगा ना अनंतानुबंधी का। स
संयोजित होकर के, मतलब वो दो मत है इसमें भी। कोई आचार्य जो है उसका पहले समय से अनंतानुबंधी की संयोजना करके अनंतानुबंधी का उदय मानते हैं तिरुषभ आचार्य, और जो बुद्ध बले आचार्य है वो नहीं मानते हैं कि एक वहाँ पर जाने के बाद नया बंध करेगा तो वापिस उसका अवलिकाल अचलावली बीतने के बाद उदय चालू होगा। और बुद्ध बले तिरुषभ आचार्य के मत से पहले समय से ही जो अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन रूप हुआ है उसकी वापिस संक्रमण होकर के संयोजना होती है, मतलब अनंतानुबंधी रूप से परिणमन करते हैं परमाणु, और उसका उदय पहले समय से ही प्रारंभ होता है, ऐसा उनका मत है, मतलब मत है। हाँ, इसलिए वो अनंतानुबंधी की विसर्जन वाला भी दूसरे गुण स्थान में आता है ऐसा कहते हैं। अनंतानुबंधी की विसर्जना की द्वितीय उपशम सम्यक तो किया, उपशम श्रेणी चढ़ा और नीचे उतर करके वो दूसरे गुण स्थान में आता है, लेकिन बुद्ध भले आचार्य 24 की सत्ता वाला वो दूसरे गुण स्थान में आता नहीं है ऐसा मानते हैं। तो उसके बाद वो एकेंद्र पर्याय का उदय हो सकता है ना। हाँ, लेकिन इस सावली काल में बाकी की सब प्रकृतियों का तो पंचेंद्र तो रहेगा, देवगति नरगति वो सब गति भी चारों रहेगी, लेकिन एकेंद्र आदि का उदय नहीं पाया जाएगा, नहीं है होगा, उदय नहीं रहेगा ना, वो उदय रहित अवस्था बतानी है ना उनको। तो वहां पर उसकी 91 प्रकृतियों का उदय होता है, तो उसमें ये 14 प्रकृतियां कम की है, एकेंद्रिय विकलत्रय आतप स्थावर चतुष्क और अनंतानुबंधी क्रोध। क्रोध में लेंगे तो केवल क्रोध लेंगे, मान में लेंगे तो मान लेंगे केवल, और 3 अनुपूर्वी, 113 कम की थी अपने, उसमें और ये कम हो जाएगी। कितने हो गए, एकेंद्रिय 1, विकलत्रय मतलब 3-4 हो गए, आतप 5, स्थावर चतुष्क 9 हो गए, अनंतानुबंधी क्रोध 10 और 4 अनुपूर्वी 14, 13 और 14 17 हो गए, तो 17 प्रकृति नहीं ज़्यादा हो गए क्या, 14 ही कम की ना, 105 में से 14 कम की। हाँ, वो 4 का उदय मिथ्यात्व में नहीं आता है ना, मिश्र सम्यक्त्व और आहारक द्विक, वो भी 4 कम, मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में 105 का उदय है, उसमें से 14 प्रकृतियां कम करना, उसमें से एक केंद्र संबंधी विकलत्रय संबंधी और आनंदानुबंधी क्रोध और अनुपूर्वी, क्योंकि वहां मरण नहीं होगा तो अनुपूर्वी का भी उदय नहीं आएगा किसी भी अनुपूर्वी का, इसलिए 4 अनुपूर्वी भी कम किए, अनंतानुबंधी से कई विसर्जना किया हुआ जीव उसके इतने का उदय नहीं होगा एक अवली काल तक। अब आगे कषाय मार्गणा के बाद वो गाथा की लाइन लोगे, अनरहिदे न इगी विगलम ताव अन कोह आनु थावर चौकम, अनंतानुबंधी से रहित स्थान में एकेंद्रिय विगल मतलब विकलेत्रय, ताव मतलब आतप, अन मतलब अनंतानुबंधी, कोह मतलब क्रोध, एक जोड़ना वो अन कोहा, अन और कोहा अलग हो गए ना गाथा में, उसको ताव अन कोहा अनु अनुचौक थावर चौक लगाना, अनुपूर्वी चतुष्क और स्थावर चतुष्क, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण ऐसे ना। हाँ, सब बता दिया। हाँ, मुत्ता ने कोह आनु थावर चौक, इधर आगे है वो आनु चौक और थावर चौक, कोह तक रुकना उसको, और अनुचौकर थावर चौक लेना। अब आगे ज्ञान मार्गणा बताते हैं, ज्ञान मार्गणा के भेद है 8, तो पहले उसमें कुमति और कुश्रुति।
चारों गति में कुमति और कुश्रुत ज्ञान पाया जाता है, एक इंद्रियातीत में भी पाया जाता है। उसमें केवल आगे के गुणस्थान नहीं है, तीसरे गुणस्थान से दो ही गुणस्थान है। तो आगे की जो उदय होने वाली प्रकृति है, जैसे अपन पहले गुणस्थान में पांच निकालते हैं, मिश्र, सम्यक्त्व, आहारक द्विक और तीर्थंकर, ये पांच उसका अनुदय होगा, बाकी शेष सब उस वहाँ उदय में होगी। 117 प्रकृतियों का उदय होगा। ये पांच हमेशा जो मिथ्यात्व में है वह तीर्थ, आहारक द्विक, मिश्र और सम्यक्त्व। सम्यक्त्व प्रकृति। अब आगे विभंग अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान। अब विभंग ज्ञान में क्या है, लेकिन एक इंद्रिय संबंध निकलेगी ना, कुमति कुश्रुत में तो एक इंद्रिय विकलत्र की है, और इसमें सब एक इंद्रिय विकलत्र संबंधी प्रकृतियां कम होगी। तो ये पांच तो है ही ऊपर की, और उसमें क्या होगी, एक इंद्रादि चार जाति, चार स्थावर चतुष्क, आतप। अब इसमें अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा विभंग अवधि में, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, इसलिए चारों अनुपूर्वी निकलेगी। अभी जो निकाली थी ना अनंत अनुबंध रही स्थान में, वो सब प्रकृति यहाँ निकल गए हैं। चार और चार आठ, और चार बारह, और एक तेरह, और ये ऊपर की पांच, पांच अधिक ये तेरह, मिलाकर 18 का अनुदय होगा यहाँ विभंग अवधि में। और 104 प्रकृति का उदय होगा। फिर आगे है मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और विभंग अवधि भी इसमें ले सकते हैं, क्योंकि चारों गतियों में अवधि ज्ञान होता है, एक में तीनों ले सकते हैं। तो यहाँ गुणस्थान है चार गुणस्थान से, चौथे गुणस्थान से, इसलिए पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान में जो उदय विच्छुति है वो सबका उदय यहाँ नहीं रहेगा। पहले गुणस्थान की पाँच, दूसरे गुणस्थान की नौ और तीसरे गुणस्थान की एक, तो कितनी कम हो गई, 10, 15 प्रकृति कम हो गई है, और तीर्थंकर एक कम होगी ना, तीर्थंकर का उदय नहीं आएगा, तीर्थंकर का उदय केवल ज्ञान के साथ में ही है। तो 16 प्रकृतियाँ हो गई, पहले गुणस्थान की पाँच, दूसरे की नौ, तीसरे की एक, ये 15 हो गई, और इसमें एक तीर्थंकर। इस प्रकार 16 प्रकृति का उदय मति श्रुत अवधि ज्ञान में नहीं होगा। तो शेष जो है 106 प्रकृतियों का उदय होगा। विभंग अवधि ज्ञान नहीं होता है, मतलब विभंग अवधि ज्ञान में अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा। हाँ, मरण के समय रहेगा, जन्म नहीं होगा। हाँ, विभंग ज्ञान अंतिम समय तक रह सकता है, लेकिन वह छूट जाएगा, वो अवधि ज्ञान फिर अगले भाव में नहीं आएगा। वह अवधि ज्ञान अनुगामी जो है वो आ सकता है ना, भवानुगामी जो अवधि ज्ञान है वो, इसलिए अनुपूर्वी का उदय वहाँ, चारों अनुपूर्वी का उदय पाया जा सकता है। जो नरक से आएंगे ना तीर्थंकर वगैरह होते हुए, वो यहाँ या देव से आते हैं, वो भी मनुष्य गत्यान पूर्वी का रहेगा, और यहाँ से भोग भूमि में जन्म लेते तिरंच और मनुष्य में, तो उनका भी वहाँ अवधि ज्ञान सहित वो उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब अवधि ज्ञान जा सकता है साथ में, इसलिए चारों अनुपूर्वी रही उसमें मतिश्रुत अवधि ज्ञान में। तिरंच गत्यान पूर्वी भी है, नरक गत्यान पूर्वी यहाँ से नरक में जा रहा है जीव, तो वहाँ पर भी वो अवधि ज्ञान साथ में लेके जा सकता है। हाँ।
हाँ नहीं, वो चौथे की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना। चौथे में अवधि ज्ञान सहित मरण करके नरक में भी ले जा सकता है, तिरंचे में भी ले जा सकता है, भोग भूमि में तिरंचा और मनुष्य, और देवगति से या नरक गति से आया हुआ मनुष्य ये उनके रह सकता है। कर्म भूमि में तो मनुष्य गत्यानपूर्वी के साथ में रहेगा, भोग भूमि में तिरंचे गत्यानपूर्वी के साथ रह सकता है अवधि ज्ञान। आगे मन परे ज्ञान। मन परे ज्ञान में गुणस्थान कितने हैं? छठे से लेकर के आगे है। इससे पहले पांच गुणस्थान के जो है वो इच्छुत्या वे उसका उदय नहीं रहेगा उसमें। पांच और नौ चौदह और एक पंद्रह और सत्रह, पंद्रह सत्रह बत्तीस हो गए, और पांचवे की आठ चालीस हो गए। चालीस का उदय और उसमें तीर्थंकर का उदय नहीं होगा, एक तीर्थंकर। मन परे ज्ञान में तो होता है ना, तो उसमें वो हाँ अभी अभी निकालेंगे ये। नहीं अभी एक मिनट, ये पांच गुणस्थान कितनी हो गई हा? तो उसमें तीर्थंकर एक और आहारक द्विग नहीं रह सकता ऐसा मेरे है, नहीं नहीं रहता, नहीं होता है, बराबर है। दो वेद, ये दो मैंने आहारक द्विक है और दो वेद मतलब स्त्री और नपुंसक वेद, पांच प्रकृति मतलब ये पांचों गुणस्थान तक की ये प्रकृतियां कितनी हुई? चालीस हुई। फिर ये पांच बढ़ाएंगे तो पैंतालीस हुई, पैंतालीस प्रकृतियों का उदय। पैंतालीस प्रकृतियां जो है उस वो उदय में नहीं रहेगी, अनुदय होगी। और 122 में मतलब में से 45 गई तो 77 रही, 77 मतलब छठे गुणस्थान में 81 प्रकृति का उदय होता है, उसमें से वो चार कम हो गए ना, दो वेद और आहारक द्विक 81 में से। छठे में 81 का उदय है ना, 61 का अनुदय है। नहीं छठे में से चार ही कम होगी, आहारक द्विक और दो वेद। तीर्थंकर तो आगे उदय में आने वाला है ना। ये रहा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान में जो तेरहवे गुणस्थान में 42 प्रकृतियां है उसका ही उदय होगा और 80 का अनुदय होगा। तेरहवे गुणस्थान की समझना, गुणस्थान के समान मति और कुश्रुत। कुश्रुत 117 प्रकृति का उदय, दो ही गुणस्थान इसमें होंगे तो पहले गुणस्थान में कुछ अनुदय होगा ही नहीं, क्योंकि आगे सब ये होने वाला है ना, इसलिए कुछ छेजर ही आएगा यहाँ पर। सब 117 का उदय, विच्छुत्ति पांच की, दूसरे गुणस्थान में पांच और एक नर गत्यान, यहाँ पर दो और एक नर शायद बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यान पूर्वी का उदय नहीं है तो उसकी विच्छुत्ति ऊपर ही होगी। तो यहाँ छः की विच्छुत्ति करेंगे, नरक पांच मिथ्यात्व गुणस्थान में जो पाई जाने वाली और वह एक नपुसक नरक गत्यान पूर्वी। तो थोड़ा सा उगड़ा पाहिजे तर महाराजांना त्रास होणे, तिकडच्या बाजून उगड़ा, तिकडच्या बाजून बस। दूसरे गुणस्थान में जो है छः का ही अनुदय रहेगा और 111 का उदय, और या दूसरे गुणस्थान में जो विच्छुत्ति है वो नौ है ना, सब नौ की होगी विच्छुत्ति। बाकी कुछ विशेषता नहीं, दो ही गुणस्थान है। विभंग अवधि में दो ही गुणस्थान है तो वहाँ जो उदय योग्य प्रकृतियों में अंतर है तो वो अंतर होगा। ये विभंग अवधि में उदय योग्य 104 है,
104 का उदय विच्युति, यहाँ एक मिथ्यात्व क्यों होगी, क्योंकि बाकी सब निकाले और अनुपूर्वी की भी निकाली हुई ना विभंगावधि में, इसलिए अनुपूर्वी की भी उदय विच्युति नहीं है, एक की ही उदय विच्युति है। 104 है, एक का यहाँ पर अनुदय होगा, 103 का उदय होगा, और यह अनंत अनुबंधी चार कषाय की ही विच्युति होगी, सरल है। और मति श्रुता अवधि में तो चौथे गुणस्थान से जो है वो ही रहेगी, सब विच्युति वगैरह कुछ अंतर नहीं होगा, केवल उसमें प्रकृतियां की जो संख्या है वो कम ज्यादा, चौथे गुणस्थान से लेंगे ना उसमें, तो 106 का उदय है। मत्यर शुद्ध और अवधि तीनों की अपेक्षा से तो यहाँ चौथे गुणस्थान से लेंगे, पहले तीन गुणस्थान नहीं है, तो चौथे गुणस्थान में अनुदय में क्या होगा, दो आहारक द्विक का उदय नहीं होगा, उदय 106 में से 104 होंगे, और विच्युति 17 की सब है यहाँ पर, 17 की विच्युति होगी, 17 और 2 19 और 114 में से गए 17, 106 में से 19 गए तो 87 होगी, और यहाँ 8 की ही उदय विच्युति होगी, सब बाकी सब गुणस्थान के समान ही होगा, छठे में 5 की विच्युति, सातवें में 4 की, आठवें में के 6 की, नौवें में 6, दसवें में 1, ग्यारहवें में 2, बारहवें में आगे की सब 16, 30 और 12, 42 और 16, 42 और 16 58 हो जाएंगे, 58 की, हाँ नहीं 58 नहीं 57 आएगी, क्योंकि तीर्थंकर अपन ने पहले निकाला हुआ है ना, इसलिए हाँ तीर्थंकर नहीं होगा तो 57 उदय इच्छुति ऐसे। कौन से गुणस्थान में ये 10, 11 और 12, मति श्रुता अवधि तीन होगा। अब मन परे ज्ञान में क्या होगा, छठे गुणस्थान से होगा, तो छठे गुणस्थान में ओक के समान ही होगा, केवल उसमें क्या होगा, आरक द्विक कम हो जाएगा, यहाँ 77 है और यहाँ तीन की विच्युति होगी, बाकी 77 और तीन बाकी सब ऐसा ही होगा, 80 वगैरह, तीन का ही अनुदय होगा, आहारक द्विक नहीं है ना, इसलिए तीन की विच्युति होगी, और बाकी सब सातवें में 4 की, आठवें में 6, नवे में 6, दो दो वेद निकाले ना वहां पर, इसलिए एक ही वेद पुरुष वेद और तीन कषाय, 4 की विच्युति होगी, दसवें में 1 लोभ की, ग्यारहवें में 2 और बारहवें में 57 है, लेकिन उसमें वो कम हो जाएंगे ना, ये नवे में 2 वेद कम किए ना, हाँ वो तो हाँ 16 और 42 एक तीर्थंकर कम करेंगे केवल, तो बारहवें गुणस्थान में 12, 16 और 13 की 30, 14 की 30, 14 की 11 लेना, तो ये 57 हो गए ना, हाँ 12 की घेतलं, इसलिए 57 का उदय रहता है, 57 की विच्युति करेंगे, सत्तावन का उदय रहेगा और 57 की नहीं, 12वें गुणस्थान में मन परिज्ञान है ना, तो 12वें गुणस्थान तक ही रहता है, तो 12वें, 13वें और 14वें तीनों गुणस्थानों की विच्युति यहाँ करेंगे, विच्छुति वो भी सब उपचार है, बंधती आगे वो मार्गना ही नहीं है ना, इसलिए विच्छुति कहना भी उपचार है सब। केवल ज्ञान में केवल क्या है, 42 का उदय है, तो 13वें गुणस्थान में
42 का उदय रहेगा, 30 की भी चुत्ती होगी। 14 गुण स्थान में 30 का अनुदय रहेगा, 12 का उदय और 12 की चुत्ती। ज्ञान मार्गना हो गई है पूरे। एक वेद वेदनीय, वेद नमो वेदनीय, वेदनीय एक 13वें में निकालते, एक 14वें में, और कोई आचार्य दोनों भी, कोई आचार्य नहीं है, आचार्यों का मतभेद नहीं है, नाना जी और एक जीव की अपेक्षा है। एकोणतीस आणि 14वें 13, और एक जीव की अपेक्षा 13वें में 30 और 14वें में 12। हाँ, मतभेद वो दूसरे गुणस्थान का है। गाथा 323 नंबर की गाथा है। आदित्य मधिसुदान्नानगे दुसगुणो घं वे भंगे विनता विगी विगलिंदे थावराणुचौ एवं मानादित्य। इसी प्रकार मानादित्य तीन कषाय में, मतलब क्रोध कषाय का पहले बताया था 322 नंबर की गाथा में, उसी प्रकार मान माया और लोभ में भी वैसा ही लगाना है। ये कषाय मार्गना समाप्त हो गई। फिर ज्ञान मार्गना की विशेषता बताते हैं। मधिसुदा अन्नान गेदु सगुणोघम, मति श्रुत अज्ञान में अपने अपने गुणस्थान के समान, ओग में जो गुणस्थान है उसके समान लगाना, दो ही गुणस्थान है उसके समान लगाना। वेभंगे विन, विभंगावधि ज्ञान में भी ताव इगी विगलिंदी थावर अणुचौन, उसमें आतप, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, स्थावर और स्थावर चतुष्क और अनुपूर्वी चतुष्क ये नहीं है। जैसे उसमें निकाला था अनंतानुबंधी रहित स्थान में, उसी प्रकार विभंगावधि ज्ञान में भी इनका उदय नहीं होगा। तो अब मति ज्ञान और सम्यक ज्ञान में बताते। गाथा नंबर 324 है। सन्नान पंचयादि दौसण मगण पदोत्ति सगुणोघं मन पंचव परिहार नवरिण संडितिहार दुगम आदि। सम्यक ज्ञान पांच है उसमें, और दंशन मग्गण पदोत्ति दर्शन मार्गणा तक, अब सब मिला करके ज्ञान संयम दर्शन आते हैं ना, तो तीनों मार्गणाओं में सगुणोगम अपने अपने गुणस्थान में जो बताई है वो लगाना है। केवल विशेषता जो है वो बताएंगे। मन पज्य व परिहारे, मन परे ज्ञान और परिहार विशुद्धि, क्योंकि ज्ञान संयम दर्शन सभी मार्गणा का एक साथ बताए ना, तो मन पर ज्ञान में ये विशेषता होगी कि उसमें नपुसक वेद, स्त्रीवेद और आहारक द्विक नहीं है। उसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयम जो है वह भी, उसमें भी नपुसक वेद, स्त्रीवेद और आहारक द्विक नहीं है। इस प्रकार ये विशेषता समझना, बाकी सब अपने अपने गुणस्थान में जितने उदय योग्य है वो प्रकृतियां होगी। पदोत्ति मग्गण पदोत्ति सौदर्शन मार्गणा स्थान तक सगुणोगम अपने गुणस्थान के समान है। विशेषता जो है वो बता रहे केवल। गाथा में संक्षेप में सब बता दिया। अब संयम मार्गणा का देखेंगे। अब संयम मार्गणा है। संयम मार्गणा में भेद क्या है? सामयिक छेदोपस्थापना, फिर परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात संयम, देश संयम और असंयम, ये सात भेद हैं उसमें। असंयम क्रम से देखेंगे। सामयिक और छेदोपस्थापना का गुणस्थान है छठे से लेकर 9वें तक, तो उन गुणस्थानों में जितनी प्रकृतियों का उदय है उतनी प्रकृतियों का उदय होगा सामयिक छेदोपस्थापना में। तो छठे गुणस्थान में उदय योग्य कितनी है? 81 है।
तो वो एक कैसे ही रहेगी यहाँ पर, और बाकी जो 41 है उसका अनुदय रहेगा। वो कौन से अनुदय की है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, पांचों गुण स्थान तक जो है वो, और तीर्थंकर 40 है ना। पहले 5, 9, 1, 17 और 8 और तीर्थंकर, इस प्रकार 41 प्रकृतियों का अनुदय होगा और 81 प्रकृति का उदय होगा। जैसे अपन बंद किया रख देना 41 प्रकृतियों का संवर करता है, इसी प्रकार उदय की अपेक्षा से भी वहाँ पर 40 प्रकृति आगे नहीं होगी, पांचवे तक है। अब परिहार विशुद्धि में क्या है, अभी बताई थी विशेषता, 41 प्रकृतियों का तो उदय होगा ही नहीं, उसमें दो वेद और आहारक द्विक बढ़ाना है। चार बढ़ाएंगे, आहारक द्विक और दो वेद, स्त्री और नपुंसक वेद, तो कितना होगा यहाँ पर अनुदय 45 और 77। जैसे मैंने परिज्ञान में 77, ऐसे इसमें भी 77 है। सूक्ष्म सांप्राय में 10वें गुणस्थान में उदय में आने वाली जो है वो प्रकृतियाँ सब लेना, तो 10वें में उदय और अनुदय कितना है, वहाँ पर इसमें और क्या मिलाएंगे, 45 है ना उसमें, तो 7वें गुणस्थान छठे की 3 विच्छुत्ति लाहारक द्विक इसमें आ गई। या ऐसा करो कि 40 में छठे, 7वें छठे की 5, 7वें की 4, 8वें की 6, 9वें की 6, हाँ इस प्रकार प्रकृतियों का अनुदय होगा। तो 62 प्रकृतियों का अनुदय है, हाँ कितने हो गए? परिहार विशुद्धि मन परिज्ञान, परिहार विशुद्धि और आहारक वृद्धि, इन तीन का एक साथ उदय नहीं होता है। मन परिज्ञान आहारक वृद्धि को बांध सकता है लेकिन उसमें उदय नहीं होगा, क्योंकि वो अभी आया था ना बहुत अच्छा कारण धौला में, उनको मतलब जरूरत नहीं पड़ती है इसमें वृद्धि की। जरूरत नहीं पड़ती है, आया था ना उसमें अभी धौला में आया था वहां पर, हाँ मतलब आहारक का उदय नहीं आएगा, आहारक शरण निकालने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परिहार विशुद्धि वाला भी बिना जीवों के वध करके गमन कर रहा है, तो तीर्थ यात्रा के लिए भी उनको आहारक वृद्धि की जरूरत नहीं है। मेरा परिज्ञानी इतना ज्ञानी होता है कि उसको शंका अपने आप मिटती है, तो इसलिए उसको उस शंका दूर करने के लिए आहारक वृद्धि निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ नहीं होता है, तो तीनों में से एक ही होगा, इसलिए 62 का यहाँ अनुदय होगा, क्योंकि यहाँ पर 40 पांचों गुणस्थान तक हो गए, छठे गुणस्थान की 5 और 7वें गुणस्थान की 4, 8वें की 6, 9वें की 6, 10वें की 1, नहीं 10वें की नहीं आएगी, हाँ 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और नहीं 21 में 41 में 21 में लाएंगे तो 62 हो गए, और उदय की 60 है। और यथाख्यात संयम में मन परिज्ञान में परिहार विशुद्ध, उसमें वो नहीं है, इतना ही लगाना पड़ेगा आपको, युक्ति अभी कुछ नहीं है पर उनको भी वो सब ज्ञान, मन करना तो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी सब पूर्व वगैरह पढ़े होते हैं ना, प्रत्याख्यान पूर्व वगैरह, ठीक है उसके,
मन परे ज्ञान क्यों नहीं होता है वो कोई कारण नहीं है वहाँ पर, वो नहीं होता इतना ही लगाना पड़ेगा, नियम ही लगाना पड़ेगा वहाँ पर। अब यह था क्या संयम में तो ग्यारहवें गुणस्थान से जो है वो सब है, तो यहाँ पर अपने 62 है ना, इसमें से एक लोभ जो है वो बढ़ जाएगा और तीर्थंकर कम हो जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर का उदय यथा क्या संयम में होगा इसलिए 61 होगा और उसमें वापिस सूक्ष्म लोभ मिलाएंगे तो 62 ही रहेगी। और यहाँ उदय 60 का है। देश संयम में पांचों गुणस्थान में जो उदय योग्य है, मतलब चार गुणस्थान के जो है वो निकालेंगे, चार गुणस्थान के 32 हो ना, और एक तीर्थंकर और आहरक द्विक और तीर्थंकर तीन अनुदय की है और 32 पहले चार गुणस्थान में उच्चति हुई 32 है, तो 35 का उदय नहीं होता है पांचों गुणस्थान में, अनुदय रूप जो है वही होगी। और यहाँ पर जो शेष बची हुई है कितने 87 प्रकृति का उदय होगा। और असंयम में पहले चार गुणस्थान में जो उदय योग्य है वो सभी प्रकृतियाँ रहेगी, केवल तीर्थंकर और आहरक द्विक इनका उदय ही नहीं होगा असंयम में, तो तीन का अनुदय होगा और शेष 119 प्रकृतियों का उदय होगा। अब यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से सामायिक छेद उपस्थापना जो है छठे से लेकर के 90 तक है, सब वैसा ही लगाना है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, सामान्य गुणस्थान के समान ही आएगा विच्युति। तो यहाँ पर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो यहाँ केवल वो प्रकृतियों का भेद होगा सामान्य से, क्योंकि अब मूल में एक कैसे लिया ना, तो एक कैसे का यहाँ उदय होगा चार की, पांच की, हाँ पांच की विच्युति होगी, पांच का अनुदय होगा, फिर वो कम करते जाओ इसमें से 76 का उदय होगा, सातवें में चार का की विच्युति होगी, आठवें में 9 का अनुदय रहेगा और 72 का उदय रहेगा और 6 की विच्युति होगी, और यहाँ 15 का अनुदय होगा और 66 का उदय होगा, विच्युति जो है 6 की होगी, यहाँ पर 6 कहो या आगे की सब कहो दोनों एक ही है वहाँ पर, मतलब ये 66 की 66 जो है उसकी विच्युति हो गई। और इसमें परिहार विशुद्धि में 2 ही गुणस्थान लगाना है और वहाँ पर क्या है 77 प्रकृति ही उदय योग्य है, तो केवल क्या होगा उसमें यहाँ पर 6 सरल है, अब यहाँ कुछ ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। परिहार विशुद्धि में 6 और 7 2 ही गुणस्थान है, यहाँ अनुदय में कुछ नहीं होगा, उदय 77 का और विच्युति यहाँ 3 की होगी, इतना ही अंतर है, 77 है 3 का अनुदय, फिर वापिस यहाँ 74 का उदय और 74 की विच्युति। सूक्ष्म सांप्राय में 1 ही गुणस्थान है, अब यथाख्यात संयम लगाना है। यथाख्यात संयम में उदय 60 का है, 11वां गुणस्थान, या तीर्थंकर केवल अनुदय में आएगा, 59 का उदय, विच्युति 2 की, 12वें गुणस्थान में 2, 1 और 2, 3 होंगे, यहाँ 56 का उदय होगा, 60 है ना कहाँ उसमें 60 है, मैं 59 में से निकाल रही थी, 57 का, और यह 16 की विच्युति होगी। 13वें गुणस्थान में 16 और 3 19 का अनुदय होगा, और यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति कम करेंगे तो 18 का अनुदय होगा, और यहाँ 42 का उदय, 30 की विच्युति, फिर 14वें में 30 और 8 48 का अनुदय, 12 का उदय और 12 की विच्युति होगी,
देशय में एक ही पांचवा गुणस्थान है इसलिए उसमें उच्चित्य कुछ लगाना नहीं है, और असंयम में चार गुणस्थान है तो सामान्य गुणस्थान के समान ही आएगा, केवल अनुदय में वहाँ पर दो मिश्र और सम्यक्त्व आएंगे वहाँ पर, क्योंकि तीन का तो उसमें पहले ही निकाला हुआ है। असंयम 119 उदयोग्य, तो यहाँ पर अनुदय जो है वो केवल दो का रहेगा, पहला गुणस्थान में, दूसरा तीन और चार गुणस्थान रहेंगे। पहले गुणस्थान में दो का अनुदय, 117 का उदय, विच्युति पाँच की, पाँच और दो सात होंगे। यहाँ अनुपूर्वी का उदय नहीं है, नरगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं, इसलिए अनुदय में एक बढ़ेगी, आठ होगा। 111 का उदय और दूसरा गुणस्थान है तो वहाँ नौ की विच्युति होगी, आठ और नौ होते 17, 17 में वापस तीन अनुपूर्वी यहाँ बढ़ाएंगे अनुदय में, तो 17 और तीन 20 हो गया, और एक मिश्र का उदय आने लगेगा तो 19 का अनुदय, और यहाँ 100 का उदय और विच्युति यहाँ एक। चौथे गुणस्थान में 19 और एक 20, कितने का उदय आने लगेगा, पाँच का उदय आने लगता है, तो 20 में से पाँच कम हो गए तो 15 का अनुदय होगा, और 104 का उदय, और यह 17 की या 104 की विच्छुत्ति कहो, सभी की विच्छुत्ति होगा। सुदर्शन अचक्षु औधि और केवल दर्शन, इसमें चक्षु दर्शन में एकेंद्रिय, द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय तीन का उदय नहीं होगा, तो एकेंद्रिय संबंधी स्थावर सूक्ष्म साधारण ये तीन निकलेगी, अपर्याप्त तो भी निकलेगी क्योंकि वहां पर चक्षु दर्शन, लेकिन शक्ति की अपेक्षा से लेते हैं शायद, शक्ति की अपेक्षा से होता है ना वहाँ पर, चतुरेंद्रिय और जो पंचेंद्रिय है वो शक्ति चक्षुदर्शनी है ना, व्यक्ति चक्षुदर्शनी नहीं है, लेकिन चक्षुदर्शनावरण का वहाँ पर सोक्षम रहता है, इसलिए शक्ति की अपेक्षा से वहाँ पर बताया है अपर्याप्त भी। तो बाकी की कौन कौन से निकलेगी यहाँ, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, ये तीन जाति निकलेगी, और स्थावर सूक्ष्म, स्थावर द्विक, स्थावर सूक्ष्म तीन ना नहीं बोल सकते उसको, बीच में अपर्याप्त आते हैं ना, तो इसलिए स्थावर द्विक बोल सकते हैं, स्थावर सूक्ष्म साधारण आतप और हाँ तीर्थंकर नहीं तीर्थ, एक दोन तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ही कम है ना शायद, आठ का अनुदय रहेगा चक्षुदर्शन में, बारहवें गुणस्थान तक ही चक्षुदर्शन है इसलिए केवल तीर्थंकर नहीं आएगा, और शेष 114 का उदय है। अचक्षुदर्शन में तो केवल एक तीर्थंकर का उदय नहीं होगा, बाकी सब का उदय आएगा, क्योंकि अचक्षुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक और सभी मार्गना में रह सकता है, सभी पर्याय में रह सकती है ये मार्गना, इसलिए एक का अनुदय और 121 का उदय। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान के समान होगा, मतलब चौथे गुणस्थान में जो उदय योग्य प्रकृतियाँ हैं और अनुदय है वो रहेगा, मतलब पहले के नौ पाँच, दूसरे गुणस्थान के नौ और एक तीर्थंकर, और तीर्थंकर ही होगा ना, तीसरे गुणस्थान का एक मिश्र, इस प्रकार 16 प्रकृतियों का वहाँ पर उदय नहीं होगा, और शेष 106 प्रकृति का उदय होगा। केवल ज्ञान के समान केवल दर्शन में 42 का उदय, और यहाँ अनुदय 82 का, 80 का उदय, 80 का अनुदय और 42 का उदय होगा। ये चक्षु, अब इसमें मार्गणा में अचक्षु दर्शन तो सामान्यवत ही है, केवल एक एक प्रकृति उदय में से घटा दो, बाकी सब सामान्य के समान ही है,
अवधि दर्शन ज्ञान का लगाता है, सही अवधि दर्शन है। वो चौथे गुणस्थान से बारह गुणस्थान तक जो गुणस्थान है वो ही लगेगा, और केवल ज्ञान में एक ही है। केवल चक्षु दर्शन में अपन देखते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ चक्षु दर्शन उदय 114 उदय चित, तो पहला गुणस्थान यहाँ अनुदय में क्या आएगा कि एक तीर्थंकर नहीं है केवल, तो मिश्र सम्यक और आहारक द्विक, तो चार का अनुदय रहेगा, 110 का उदय रहेगा। और विच्छुत्ति पहले गुणस्थान की जो है उसमें से वो पहले निकल गई है, तो एक मिथ्यात्व ही और अपर्याप्त, मिथ्यात्व और अपर्याप्त दो होगी ना, मिथ्यात्व और अपर्याप्त। दूसरे गुणस्थान में चार और दो छः और एक नरक अत्यंत पूर्वी का उदय नहीं आएगा, तो सात, 114 में से सात गए 107। दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति कितने की है, नौ की है, तो नौ उसमें से स्थावर और एकेंद्र द्विवेंद्र त्रिवेंद्र चतुरेंद्र रहेगा केवल इसमें, अनंतानुबंधी चार कषाय और एक चतुरेंद्रिय, ये पांच की विच्छुत्ति होगी। अन चार और चतुरेंद्रिय जाति, इस प्रकार पांच की विच्छुत्ति होगी। सात और पांच 12, तीसरे गुणस्थान में अनुपूर्वी का उदय नहीं है, तो तीन अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, तो तीन बढ़ाएंगे और एक मिश्र घटाएंगे, तो 12 में तीन बढ़ाए तो 15 हो गई और एक घटाए तो 14 हो गई, तो यह सौ का उदय और एक मिश्र की विच्छुत्ति। फिर चौथे गुणस्थान में 14 और एक 15 होते हैं, और यहाँ पर चार अनुपूर्वी और संयुक्तों का उदय प्रारंभ होता है, तो 10 का अनुदय रहेगा, 104 का उदय रहेगा, और यह विच्छुत्ति 17 सबकी होगी ना, 17 की विच्छुत्ति होगी। आगे फिर कुछ विशेषता नहीं है, आगे सब गुणस्थान के समान ही उस लगाएंगे। तो वो कृष्ण लेशा का भी है, ऐसे दोपहर में ही पढ़ेंगे फिर। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, जान ही रहा हूँ, पहले भी जान ही रहा था, आगे भी जानता ही रहूँगा। जानने के सिवाय मेरा दूसरा कुछ भी काम नहीं है। मैं कर्म के बंध को भी जानने वाला हूँ, उदय को भी जानने वाला ही हूँ, सत्ता को भी जानने वाला ही हूँ। करने वाला नहीं हूँ, मैं कर्म का करता नहीं, कारयिता नहीं, अनुमोदक भी नहीं हूँ। देखिए भीतर ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, अपने अपने में ही रम रहा है, जम रहा है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शाश्वत स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप विसर्जन। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वैच्यायानं नमो लोए सौवसाऊ।